जिक्र होता है जब कयामत का तेरे दिल में, दिल किस से कहूँ, कोई भी गम खा प्यार का हम एक बहाना। इन अमर गीतों के संगीतकार कौन थे शायद आपको पता ना हो, चलिए मैं बता देती हूँ। इन्हें संगीतबद्ध किया था एक बेहद कम चर्चित और गुमनाम संगीतकार दान सिंह ने, सही मायने में बेहद गुणी लेकिन बदनसीब फनकार। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। दान सिंह की किस्मत भी कुछ ऐसी थी कि वो जिंदगी के हर मोड़ पर मात खाते रहे। उनकी धुने चुरा कर लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली और वो पूरी जिंदगी साइकिल पर पैडल घुमाते रहे। मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुम। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं बिहाइंड द कैमरा विद आरजे प्रीति कमल। मैं तुमने भी देखी तो होंगी कभी मेरे। दान सिंह नाम है संगीत के ऐसे उपेक्षित सितारे का जिनके रचे संगीत में तैयार हुए गीत ऐसे मोती बने जिनकी चमक 50 साल बाद भी फीकी नहीं पड़ी है। ये अलग बात है कि इन मशहूर और अमर गीतों के संगीतकार को लोग नहीं जानते। इनकी बदनसीबी का आलम देखिए। संगीतकार बनने से पहले दान सिंह जयपुर आकाशवाणी में काम करते थे। उसी वक्त उनकी मां का देहांत हो गया। छुट्टी नहीं मिलने के कारण वो माताजी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 60 के दशक में संगीतकार बनने माया नगरी बम्बई गए। कई सदाबहार और अमर गीतों को संगीतबद्ध किया। इस बेहद सरल और सहज संगीतकार में देहाती भोलापन कूट कूट कर भरा था, जिसका खामियाजा उन्होंने अपने जीते जी खूब झेला। उन्हें बम्बई छोड़ जयपुर अपने गांव लौटना पड़ा और ताउम्र किराए की साइकिल पर दर बदर होते रहे। इनकी बदकिस्मती का हाल और हश्र ये रहा कि उनके संगीत में बनी महज 5 फिल्में ही रिलीज हो सकी। वहीं तमाम ऐसी फिल्में रहीं जो या तो बीच में ही अटक गईं या फिर डिब्बे में बंद होकर कभी रिलीज ही नहीं हो सकी। इसके बावजूद इन फिल्मों के गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। दान सिंह की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया और मनोहरी सिंह जैसे दिग्गजों ने उनके सहायक के तौर पर कभी काम किया था। फीकी फीकी रात में हो गई उनसे मुलाकात, तो हूं क्या आगे तो बाहर। एक संगीतकार के तौर पर दान सिंह की काबिलियत की कई मिसालें दी जाती हैं। इसकी पहली मिसाल सुनिए। साल 1964, ये वो समय है जब गीता दत्त के गुरु दत्त से रिश्ते खत्म हो रहे थे। दोनों अलग अलग रह रहे थे। बदरंग और बेजार जिंदगी के बीच गीता दत्त गिनी चुनी फिल्मों में गा रही थी। बम्बई के ताड़देव का एक स्टूडियो एक फिल्म के गाने को गीता दत्त रिकॉर्ड कर रही थी। गमगीन गीता दत्त डूब कर गा रही हैं, मेरे हमनशी मेरे हमनवा, मेरे पास आ मुझे थाम ले, मेरे पास आ मुझे थाम ले। इस गाने के बोल और संगीत कुछ यूं थे जैसे ये गीता दत्त के निजी जिंदगी की कहानी और दर्द बयां कर रहे हों। गाते गाते उनका गला रुंधने लगता है और अचानक वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक जाती है। संगीतकार दान सिंह के संगीत का जलवा जैसे गीता दत्त के लिए कयामत बन कर आया। उनके संगीत निर्देशन में ये रिकॉर्डिंग थी फिल्म भूल न जाने के गाने की, जिसे जयपुर के हरिराम आचार्य ने लिखा था। इंडो चाइना वॉर पर बनी इस फिल्म को विदेश मंत्रालय के लाल फीता के डिब्बे से बाहर निकलने नहीं दिया, जिसमें बेहद काबिल संगीतकार दान सिंह की किस्मत हमेशा के लिए कैद होकर रह गई।
ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। इसके साथ ही फिल्मी आकाश में कई लोगों की उड़ान थम कर रह गई। इनमें दान सिंह भी शामिल थे, एक ऐसे कम चर्चित और गुमनाम संगीतकार जिनकी काबिलियत की ऐसी ऐसी मिसालें हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। अब एक और वाकया सुनिए। फिल्म थी भूल न जाना और इसका गुलजार का लिखा और मुकेश का गाया एक गीत लोग आज भी गुनगुनाते हैं, पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुम। इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। जब मुकेश ये गीत रिकॉर्ड कराने आए तो धुन सुनकर बोले, इस धुन पर तो मैं अभी एक गीत रिकॉर्ड करा कर आ रहा हूँ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। दान सिंह ने कहा, अरे ये धुन वहाँ कैसे चली गई? इस पर मुकेश का जवाब था, दान सिंह जी ये बम्बई है, आप तरल गरल महफिलों में लोगों को अपनी बनाई धुन सुना देंगे तो यही होगा। इस पर दान सिंह ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक घंटे बाद आइए, मैं नई धुन तैयार करके रखता हूँ। उन्होंने एक घंटे में ही बेहद शानदार धुन बनाई और ये गाना बहुत पसंद किया गया। बदकिस्मती रही कि ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। संस्कृत और हिंदी के बड़े विद्वान और गीतकार हरिराम आचार्य दान सिंह के बहुत करीबी थे। उन्होंने बताया था कि खानदान फिल्म के गीत तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो की धुन वास्तव में दान सिंह की कंपोजिशन थी, जिसे उन्होंने एक महफिल में सुनाया जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े संगीतकार भी मौजूद थे। एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने दूसरे दिन इस धुन को अपने गाने में ढाल दिया। चुरा कर कॉपी किए गए इस म्यूजिक को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, पर इसका क्रेडिट दान सिंह को नहीं मिला। दान सिंह के भोलेपन में नुकसान उठाने के कई उदाहरण हैं। एक कहानी और बहुत मशहूर है, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की फिल्म पूरब और पश्चिम के कालजयी गीत कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे की धुन पहले दान सिंह ने बनाई थी। एक पार्टी के दौरान उन्होंने गाकर इसकी धुन एक गीतकार को सुना दी। उस गीतकार ने एम्पाला कार के वादे के साथ कल्याण जी भाई को ये धुन सुना दी। उस गीतकार को इस धुन का सौदा करने के बदले एम्पाला कार भी मिल गई। और इधर दान सिंह अपनी आखिरी सांस तक किराए की साइकिल पर जयपुर की गलियों की धूल फांकते रहे। जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अब सवाल उठता है कि इतना काबिल और गुणी संगीतकार होते हुए भी दान सिंह गुमनाम क्यों रहे? किस बात से आहत होकर महज कुछ सालों बाद ही दान सिंह बम्बई छोड़ जयपुर वापस लौट गए, जानेंगे इस पेशकश में आगे। साथ ही बताऊंगी आपको वो दिलचस्प किस्सा जब अपने काबिलियत से दान सिंह ने अपने पिता की हार का बदला लिया, और सुनाऊंगी आपको वो दिलचस्प किस्सा जब महान कवि सुमित्रानंद पंत बहुत कम उम्र वाले दान सिंह की प्रतिभा देख इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दान सिंह को अपने घर खाने पर बुलाया। दान सिंह का जन्म राजस्थान की राजधानी जयपुर के गड़गौरी बाजार स्थित सेलो की गली में 14 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इनके पिता पेशे से अध्यापक रहे और गीत संगीत से भी उनका गहरा लगाव था और वो बहुत अच्छा गाते भी थे। बचपन में दान सिंह के दादा ने अपने पोते की कोयल जैसी आवाज के चलते उनका नाम दामोदर सावल सिंह से बदलकर दान सिंह कर दिया। इनकी बचपन से संगीत में गहन रुचि थी, यहाँ तक कि पाठशाला की प्रार्थना का संगीत भी उन्होंने ही दिया था और रोजाना पाठशाला की प्रार्थना दान सिंह ही गाते थे। झुकालो बड़े बड़े नैना, झुकालो बड़े बड़े नैना। यहाँ एक किस्सा तब का सुनाती हूँ जब दान सिंह की उम्र करीब 9 साल रही होगी। दान सिंह स्कूल से लौटकर खेल रहे थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और चिल्लाकर बोला कि अरे दान सिंह, तुम्हारे पिता संगीत प्रतियोगिता में हार गए। हर बच्चे के लिए पिता उसका हीरो होता है। दान सिंह को यह खबर आहत कर गई। उस आदमी से वो जिद करने लगे कि मुझे वहाँ ले चलें, मुझे देखना है किसने हराया मेरे पिता को। वहाँ पहुँचे तो दान सिंह मंच पर चढ़ गए और आयोजकों से जिद करने लगे कि मुझे भी गाना है। बच्चे की बात सुनकर लोग हंसने लगे। बार बार कहने पर
बच्चे का दिल रखने के लिए आयोजकों ने हामी भर दी। जब दान सिंह गाने लगे तो हंसने वाले हैरान रह गए। सब शांत होकर इस बच्चे की गजल गायकी में डूब गए। ये बच्चा एक बेहद मुश्किल गजल बहुत खूबसूरती से गा रहा था, जिसके बोल थे, तेरी बातों से मुझे जाहिर हुआ इश्क रहा तेरा किसी कंगाल से। गाना जब खत्म हुआ तो तालियां रुकने को राजी नहीं थीं। लोग मंच पर चढ़ गए और इस बच्चे को कंधे पर उठा लिया। उसके जयकारे लगने लगे। जो पिता अपनी हार से आहत किनारे बैठा था, अब उसका सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था और आंखें खुशी से नम थीं। वो हार कर भी जीत चुके थे। बात कही ये जीवन में, सुना था मैंने बचपन में, सनस में। पढ़ाई पूरी करने के बाद दान सिंह आकाशवाणी में कंपोजर के तौर पर काम करने लगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से वो भले ही उपेक्षित रहे हों, मगर अपने संगीत की छाप उन्होंने आकाशवाणी के लिए काम करते हुए खूब छोड़ी। यहाँ तमाम बड़े कवियों की रचना को संगीतबद्ध करने की शुरुआत दान सिंह से ही हुई। इसी से जुड़ा एक रोचक किस्सा बहुत मशहूर है। महान कवि सुमित्रानंद पंत की एक कविता अलग पलक श्यामल स्वर्णिम की धुन बनानी थी और उसे गाना भी था। इसके लिए दान सिंह का चयन किया गया। अखबारों में रोज छपने वाली आकाशवाणी के कार्यक्रमों की सूची में ये कार्यक्रम भी छपा। इसे देखकर पंत साहब ने आकाशवाणी के केंद्र निदेशक को फोन किया और पूछा कि ये दान सिंह कौन है जो मेरी रचना को गाएगा, कोई सिख बच्चा है क्या? दरअसल पंत जी का कहना था कि उनकी रचना किसी अनुभवी व्यक्ति से गवानी चाहिए। केंद्र निदेशक ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी रचना का गायन अच्छा ही रहेगा। खैर, आकाशवाणी पर कविता पाठ खत्म होने के बाद निदेशक के पास पंत जी का फिर से फोन आया और कहा कि जिस बच्चे ने मेरी रचना का पाठ किया है उसको रोक कर रखिए, मैं आकाशवाणी आ रहा हूँ। दान सिंह को लगा कि शायद कहीं गड़बड़ी हो गई। वो डरते हुए पंत जी का इंतजार करते रहे। पंत जी आए और उन्होंने दान सिंह की पीठ थपथपाई, कहा, अभी मेरे साथ चलो, भोजन साथ ही करेंगे। वो दान सिंह को अपनी कार में बैठा कर घर ले गए और अपने साथ भोजन कराया। मेरा नाम शोला न बन इतना भोला। इसके बाद दान सिंह ने जयपुर और दिल्ली आकाशवाणी में सह गायक और संगीतकार के रूप में काम करते हुए जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन सहित कई बड़े कवियों की कविताओं को कंपोज किया और खूब तारीफें बटोरी। इसी बीच एक बार माँ के देहांत पर छुट्टी नहीं मिल सकी तो उन्होंने इस्तीफा देकर बंबई की राह पकड़ ली। चूहे दौड़ो बिल्ली आई, बिल्ली क्या एक आफत आई। बंबई पहुंचकर लंबी जद्दोजहद के बाद दान सिंह राजस्थान मूल के ही महान संगीतकार खेमचंद प्रकाश के शागिर्द और फिर सहायक बन गए। लंबे वक्त तक स्वतंत्र रूप से किसी फिल्म में संगीत देने का मौका नहीं मिला तो दान सिंह ने वापस अपने गांव लौटने का फैसला कर लिया था। उन्होंने जयपुर का टिकट भी ले लिया था, लेकिन उसी दिन फिल्म प्रभाग मुंबई ने उन्हें राजस्थान राज्य से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रेत की गंगा के लिए संगीतकार के रूप में बुला लिया। बदकिस्मती से ये शॉर्ट फिल्म तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन दान सिंह मुंबई में एक उम्मीद का सूरज लेकर टिके रहे। गोरा गोरा मुखड़ा ये तूने कहां पाया है। दान सिंह का संघर्ष रंग लाया। उन्हें 1969 में आई दारा सिंह की फिल्म तूफान में संगीत देने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। इस फिल्म में मुकेश और आशा का गाया ये डुएट बहुत चर्चित रहा। हमने तो प्यार किया, प्यार, प्यार, प्यार। संगीतकार के तौर पर इनके किस्मत का सितारा चमका 1970 की फिल्म माई लव के साथ। अतुल आर्ट्स मुंबई की एस सुखदेव निर्देशित इस फिल्म में दान सिंह ने अपने संगीत का कालजयी असर छोड़ा। यूं तो इस संगीतकार ने कई सदाबहार गीत संगीतबद्ध किए, लेकिन मुकेश की आवाज में माई लव, फिल्म के महज ये दो गीत दान सिंह की काबिलियत बयां करने के लिए काफी हैं। जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, गजल शैली में आसावरी थाट ओढ़े इस रोमानी तहजीब को चाहने वाले आज भी लाखों करोड़ों श्रोता हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं। वहीं गिटार और पियानो के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था दान सिंह के अजर अमर पहचान के शेष मात्र हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि फिल्म में दान सिंह के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन, प्यारेलाल ने वायलिन, पंडित शिव कुमार ने संतूर, हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी और मनोहरी सिंह ने सैक्सोफोन बजाया था। बहादुर शाह जफर बननी शुरू हुई मगर पूरी नहीं हो सकी। ओ तेरे प्यार का गम,
माय लव के गाने आनंद बख्शी ने लिखे थे। ये उनके शुरुआती दिन थे जब 60 के दशक के अंतिम सालों में तबदान सिंह जयपुर के ही रहने वाले बड़े साउंड रिकॉर्डिस्ट रहे बीएन शर्मा के फ्लैट में उनके साथ रहते थे। इनके पड़ोस में ही रहते थे गीतकार आनंद बख्शी। उन दिनों बख्शी साहब की मुफलिसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो रोज सुबह दान सिंह के फ्लैट में टॉयलेट का इस्तेमाल करने आते थे। कई सदाबहार गीतों की सुरीली सौगात देने वाले दान सिंह की कहानी भी उनकी फिल्म भूल न जाना जैसी ही रही, जिसमें तमाम मुश्किलों की लंबी रिले रेस चलती है। इस फिल्म की तरह दान सिंह का जीवन भी रहा। अगर ये फिल्म रिलीज होती तो शायद उनका करियर कुछ और होता। इस फिल्म में मुकेश के गाने तो मशहूर हुए ही, मगर इसमें मन्ना डे के गाए एक देशभक्ति गीत की खूबसूरती भी बेमिसाल है। दरअसल फिल्म भूल न जाना के साथ दिक्कत ये रही कि इसके बनने में 10 साल लग गए। ये फिल्म भारत चीन के संबंधों पर आधारित थी। 1962 में भारत चीन की जंग हुई थी, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तब तक भारत और चीन के संबंध सुधर चुके थे और तब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने लगे थे। ऐसे में 1972 में सेंसर बोर्ड से पास की गई इस फिल्म पर विदेश मंत्रालय ने रोक लगा दी थी। विदेश मंत्रालय का तर्क था कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो दोनों देशों के रिश्तों में फिर से खटास आ जाएगी। जरा मुस्कुरा कर बहारे समारो। राग यमन पर आधारित एक सदाबहार गीत चंदन सा बदन चंचल चितवन, ये गाना असल में दान सिंह ने फिल्म भूल न जाना के लिए ही संगीतबद्ध किया था। ये नगमा इसी फिल्म के निर्माता जगन शर्मा से गीतकार इंदीवर ने संगीतकार कल्याण जी भाई की इजाजत लेकर मांग लिया। इंदीवर ने मूलतः भूल न जाना के लिए लिखे इस गीत में अंतरे की जगह मुखड़े में बदलाव करके यही धुन कल्याण जी को सौंप दी, जिसे फिल्म सरस्वती चंद्र में शामिल किया गया। दान सिंह ने कुल मिलाकर 5 ही फिल्मों को संगीत दिया था, जिनके नाम हैं माय लव, तूफान, भूल न जाना, बवंडर और भोभर। उनकी अधिकांश फिल्में या तो बनते वक्त अधर में लटक गईं या फिर रिलीज ही नहीं हुई। उनकी संगीतबद्ध की हुई फिल्में मतलबी, रेत की गंगा, भूल न जाना, शायर, खिलते फूल, मूमल महेंद्र, बहादुर शाह जफर मुकम्मल नहीं हो सकी। सुनील दत्त अभिनीत रेशमा और शेरा के लिए संगीत देने की शुरुआत दान सिंह ने ही की थी, लेकिन सुनील दत्त से किसी बात को लेकर टकराव के बाद ये फिल्म भी उनके हाथ से फिसल गई। मुंबई में इस भोले संगीतकार का दिल कई बार टूटा, लेकिन उनकी खूबी थी कि ताउम्र कभी किसी का गिला शिकवा नहीं किया। हमेशा यही कहते थे, मन चाहा किसी को मिलता भी नहीं है। सिने नगरी में महफिलें जहां जमती, दान सिंह अपनी नई नई धुनें उत्साह से सुनाते, मगर वो बॉलीवुड की रीत नहीं जानते थे, इसलिए लुट गए। बदकिस्मती पूरी जिंदगी उनका पीछा करती रही। फिल्मी दुनिया की साजिशों और तिकड़मों के सामने ये सहज सरल कलाकार टिक नहीं पाया। सत्तर के दशक के आखिरी में दान सिंह के पास माया नगरी मुंबई में काम नहीं था। इनके ऊपर किसी आका या गॉडफादर का हाथ भी नहीं था। नतीजन हार कर वो जयपुर अपने गांव लौट आए। 1978 से 1999 के बीच फिल्म बवंडर के रिलीज होने तक, यानी करीब 21 साल तक, दान सिंह अपने गांव में गुमनामी के अंधेरे में बिताते रहे। पूरी तरह हताश और उपेक्षित दान सिंह जयपुर लौट कर आला दर्जे की गायिका अपनी जीवन संगिनी उमा याग्निक के साथ बिताते रहे। थोड़ा बहुत वो जयपुर के ऑल इंडिया रेडियो और कुछ मंचों पर सक्रिय रहते थे। ये दिल की जलन किससे फरियाद करे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने HMV के लिए कुछ राजस्थानी गाने कंपोज किए, जिनके रिकॉर्ड्स की खूब धूम रही। दशकों बाद उन्होंने 1999 में फिल्म बवंडर के जरिए उन्हें जगमोहन मुंदड़ा ने मौका दिया। राजस्थान की महिला कार्यकर्ता भवरी देवी के संघर्ष की कहानी पर आधारित फिल्म बवंडर के गानों में दान सिंह ने राजस्थानी लोक संगीत की खूबसूरत छटा बिखेरी। फिल्म का बैकग्राउंड संगीत ग्रैमी पुरस्कार विजेता विश्व मोहन भट्ट ने रचा था, इसलिए फिल्म के संगीत के क्रेडिट में दान सिंह और भट्ट दोनों का नाम आया।
ये ऑफ बीट फिल्म भी कई जगह प्रदर्शित नहीं हो सकी और दान सिंह की वापसी की उम्मीदें भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गईं। अब तो जाग्या सर सी बहना आपा सबने। अपना अतीत भुलाकर बिना किसी मलाल मुफलिसी में वो जिंदगी बसर करते रहे। आर्थिक बेबसी ऐसी कि दान सिंह टाटा कंपनी की नैनो कार खरीदने की हसरत भी पूरी नहीं हो सकी। यहाँ तक कि अपनी पत्नी की गाई मिर्जा गालिब की गजलों को एल्बम के जरिए बाजार में लाने की हसरत भी पूरी नहीं हो सकी। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। अंतिम बार दान सिंह ने राजस्थानी फिल्म भोभर के एक गाने का संगीत दिया था। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई। इससे पहले ही इस हारे हुए और हताश संगीतकार की जीवन लीला खत्म हो गई। 18 जून 2011 को अपने निवास स्थान जयपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। तुम्हारा सूरज बने भोर बुलावे, सांझ सुबह क्यों घर क्यों ना आवे। उगमारा सूरज तने भोर बुलावे, सांझ सू भटक्यों घर क्यों ना आवे। भले ही इस बेमिसाल संगीतकार के जीवन का अंत हो गया, लेकिन जब तक उनके मधुर सुर फिजा में गूंजते रहेंगे तब तक वो यादों में जिंदा रहेंगे। मुंबई को अलविदा कहने से पहले उन्होंने अपनी काबिलियत की जो झलक दिखाई उस पर हिंदुस्तानी फिल्म संगीत हमेशा नाज करेगा। ये बेदर्द जहां, हम दिल किस से कहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस अद्भुत कलाकार के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानें। इस पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी शख्सियत की कहानी के साथ। अब मुझे यानी आरजे प्रीति कमल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। झुका लो बड़े बड़े नैना, झुका लो बड़े बड़े नैना।